हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? सब ठीक ठाक हैं? तो वेलकम हो गया जी आपका प्रोजेक्ट हैबर के 11th पार्ट के अंदर। तो जैसा कि आप लोगों को भाई कल बताया था कि गाड़ी के जो ना पिछले व्हील जो है ना वो तंग कर रहे हैं, अब हुआ ये है कि भाई वर्कशॉप हम आ गए हैं और सरप्राइज़ हमें जो है ना उसका ये मिला कि इसके जो है ना वो पिछले दोनों जाम, एक व्हील फुल जाम था, उसका सिलेंडर जो है ना वो डलने वाला है, दोनों ही बेसिकली डलने वाले, लेदर भी जो है ना वो नहीं डलने वाले। तब जो है ना एक तो इसका ब्रेक पैडल भी थोड़ा सा नीचे जाके काम करता था, ब्रेक वैसे ब्लीड वगैरह करवाई थी लेकिन जो है ना वो फिर भी ऐसे ही है। तो अब जो है ना वो हम लेने जा रहे हैं इसके जो है ना वो लेदर जो है और वो ड्रम वगैरह, ये भाई है सीन है इसके पीछे जो है ना रात को रील भी हुए हैं। बाकी अल्लाह खैर करे, इसके बाद जो है ना वो ऑन रोड करके देखेंगे क्या इशू है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है फिलहाल तो जो है ना हर चीज़ ओके है। जो जो हमने देखो खुद काम करा हुआ तो भाई तसली वाले हैं जो पहले से हैं, तो वो भाई ये सीन है। A few inches later, ये यार पिछला व्हील जो है ना दोनों, इस साइड वाला भी दिखाते हैं। लाइट राणा साहब को ले जी, ये देखो जी लेदर का हाल देखो, फर्क होया पे बिल्कुल खत्म, टाटा बाय बाय। सिलेंडर भी टूट गया है, सिलेंडर तो दो ही नहीं पाने ना भाई, परला जाम है उतना ली। चलो ठीक होगा, ये भाई कंडीशन है, ये सीन है सारा। अब लेने जा रहे हैं हम जो है ना वो जाके दोनों सिलेंडर और लेदर वगैरह, फिर मिलते हैं आप लोगों से। A few minutes later. अच्छा जी, हम ना साथ पिछले स्प्रिंग भी जो है ना वो नहीं ले आए थे, बाकी से जो है ना फिटिंग हो गई है सिलेंडर वगैरह की, और स्प्रिंग भी जो है ना हम न्यू लेके आए हैं कि उसकी वजह ये थी, आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में कि आवाज़ वगैरह जो है ना वो अगर तो ना करें ठीक हो तब हम जो है ना वो चलाएंगे, नहीं तो चेंज करेंगे। ये देखें ये पुराने हैं, निकल आया और ये न्यू स्प्रिंग है, बाकी जो वो ब्रेक वगैरह भी ब्लीड करवा रहे हैं। नए सिलेंडर लेदर वगैरह डाले हैं तो फिर वो प्रेशर ठीक करने के लिए, तब ले रहा जहाँ पर ज़रा ठीक से नज़र नहीं आ रहा, फिटिंग हो गई है। One hour later. लो जी गाड़ी हमारी मैकेनिकली माशाल्लाह ओके हो गई है भाई, मुबारक हो। अब ये हम जो है ना इधर उस्ताद फारूक के पास ही आए हैं, ये बैक लाइट से तो जो ना हमने न्यू इंस्टॉल करवाई हैं, लेके रखी हुई थी। तो देखो गाड़ी लाइट की क्वालिटी चेक करो, ज़बरदस्त क्वालिटी है। बाकी भी जो छोटा मोटा किसकी जो फ्यूल गेज काम नहीं थी कर रही, वो इन्होंने डैशबोर्ड खोला तो वही छोटा मोटा, बाकी भी जो भी जो है छोटे मोटे हेडलाइट्स भी जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो भी हमने कहा चलो सारी एक दफ़ा ओके करवा दें कि ऑन रोड करें गाड़ी को। अच्छा इसकी पार्किंग लाइट्स जो है ना वो भी लग गई हैं, ये साइड का जो है ना ये फेंडर का जो वो इंडिकेटर है वो भी लग गया, ये पार्किंग लाइट भी लग गई है, उस साइड की भी पार्किंग लाइट लग गई, फेंडर वाला बस रह गया इशारा। 2 hours later. लो जी भाई लोगों, रात का टाइम हो गया जी और गाड़ी हमारी सटते पे हो। लो जी गाड़ी मारी माशाल्लाह ओके होगी, रेडी होगी सारी, ये देखें जी पार्किंग लाइट्स, ये फेंडर जो है ना वो वाले जो इंडिकेटर्स हैं, इसके अलावा इस साइड से भी देख लें, ये सारी हमारी चीज़ें हर चीज़ क्लियर होगी माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया, ओके हो गया हर चीज़, लाइट्स वगैरह ये भी गाड़ी, आप लोगों को कहा था दुल्हन बनाएंगे तो माशाल्लाह दुल्हन ही बनी है। तो ये तो माशाल्लाह जी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया एक दफ़ा तो काम वगैरह, बाकी जो है वो इंशाल्लाह इसको ऑन रोड करके देखते हैं फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अभी तो जो एक दफ़ा मसले मसाइल थे छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स वगैरह हर चीज़ क्लियर करवा दी है, बाकी जी मिलते हैं आपसे। One day later. लो जी भाई लोगों,
गाड़ी हो गई माशाल्लाह कंप्लीट। गाड़ी की लुक चेक करो यार, हर चीज़ मतलब जो है ना, वो बस एक वो छोटा सा रह गया काम लोगो वगैरह, वो मैं खुद ही लगाऊंगा ये, क्योंकि ना जी ये जो है डेंटर जो है ना वगैरह ये इनसे कभी भी जो है ना वो जर्मन जगह पे लगते नहीं है, वो सारे ना वो डिंगे सीधे लगा देते हैं। ये देखो माशाल्लाह गाड़ी की लुक क्यों हिला डाला, हर चीज़ मैकेनिकली इलेक्ट्रिकल वगैरह हर चीज़ ए टू जी टोटल कंप्लीट हो गई है। मुबारक हो, मुबारक। तो मैंने कहा यार टाइम भी बस जो है ना वो मगरिब का हुआ है, मैंने कहा चलो यार एक दफ़ा ना अपने भाइयों के लिए जो इंटरेस्ट से देख रहे हैं सारा प्रोजेक्ट उनको दिखा दें कि भाई प्रोजेक्ट जो है ना वो कम्प्लीट हो गया सारा, हर चीज़ मैकेनिकली इलेक्ट्रिकल टोटल कम्प्लीट हो गई है माशाल्लाह। और ज़बरदस्त है गाड़ी की यार, बहुत मज़े की राइड है। बाकी इंशाल्लाह फिर लोगो वगैरह लगा के अब इसके जो है ना वो थोड़ी सी पेंट वगैरह भी, अरे कहना क्या चाहते हो, सॉरी सर्विस वगैरह इसको करवा के और फिर इसको जो है ना मैं लोगो वगैरह भी लगाऊंगा, फिर आप लोगों से ना शॉर्ट वीडियो उसकी बिफोर और आफ्टर वाली वो भी शेयर करूंगा। और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। वन आवर लेटर। तो जी भाई लोगो फाइनली हमारा जो है ना प्रोजेक्ट खैबर जो है वो कम्प्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और गाड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त है, राइड भी बहुत बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। और उसके अलावा मतलब जो है ना बाकी आपको वीडियोस में दिखाया था मतलब लास्ट में पिछले स्प्रिंग भी जो है ना वो शॉक भी और अगले शॉक स्प्रिंग भी हर चीज़ मतलब जो है ना वो चेंज हो गई है, सस्पेंशन का काम, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी जो था मतलब जो है ना वो स्टार्ट वाली वीडियोज़ में देखे डैशबोर्ड के नीचे वायरिंग वगैरह नज़र आ रही थी, वो हर चीज़ जो है ना वो फारूक भाई ने हर चीज़ क्लियर कर दी है। और बाकी जो है ना बैक लाइट्स भी जो है और इंडिकेटर्स वगैरह पार्किंग लाइट्स हर चीज़ उन्होंने इंस्टॉल कर दी है न्यू जो है, हर चीज़ मतलब जो है ना क्लियर हो गई है। एसी की थी वो रिले वगैरह मतलब एसी के साथ जो रेस होती है ना वो नहीं थी लगी हुई, वो से एसन से जाके जो है ना वो उसकी ऊपर जो है इंजन के ऊपर जो होता है वो उसका पुर्जा वो सॉरी कार्बोरेटर के साथ वो लगवाया था, फिर इलेक्ट्रिकल रिले यहाँ से जो है वो लेके वो भी साथ लगाई, वो भी अल्लाह का शुक्र है जब वो मसला क्लियर हो गया। अब आप लोग कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो जो है ना वो कल क्यों नहीं लगाई, नहीं कल यार इसीलिए मैंने जो है ना वो नहीं पोस्ट की वीडियो, उसकी वजह ये थी कि ये गाड़ी में जो है ना ये हम लोग जो जब निकलने लगे थे कल रात को तो गाड़ी का जनरेटर जो है ना वो काम करना छोड़ गया था, उसका जो होता है ना जो कड़ा होता है जो करंट बनाता है वो कमज़ोर हो गया था, वो हमने जो है ना वो वहाँ से उधर से ही फारूक भाई ने हमें जो है ना वो चेंज करवा दिया था, लेकिन वो ठीक से उसने नहीं मतलब जो है ना उसकी फ़िटिंग नहीं थी ठीक की, वो घर जाते जाते दोबारा जो है ना वो रास्ते में छोड़ गया काम, फिर फारूक भाई ने जो है ना वो भेजे अपने लड़कियों को भेजा, उन्होंने कहा कि यार आप अगर सवारी है आपके पास तो आप लोग चले जाओ घर, गाड़ी जो है ना वर्कशॉप पे वो ले आते हैं लड़के, तो इसी तरह हुआ रात को तकरीबन 10:30 बजे जो वो लड़के गाड़ी जो है ना वो ले गए थे। फिर मैंने इसीलिए जो है ना यार फर्दर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई कि मैं वहाँ पे कल की वीडियो को एंड करता दोबारा बनाता, मैंने कहा यार प्रोजेक्ट इतना लंबा है नहीं, लोग भी सारे सोचेंगे कि यार इतना मतलब जो है ना लंबा खींचती है इसको प्रोजेक्ट को, बात तो सही है ये वीडियो जो है ना वो आई की बनती नहीं थी, इसलिए फिर मैंने कहा यार नेक्स्ट डे में जो है ना वो आज के दिन में जो है ना जो वो उसकी कंप्लीट होने के जस्ट वीडियो जो है ना साथ वो मैंने ऐड कर दी है, और ये प्रोजेक्ट के एंड की जो है ना वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी यार टोटल एक्सपेंस जो है ना आप लोग भी जो है ना वो बहुत लोग जो है ना वो पूछ भी रहे हैं कि जो है ना ACP कितना खर्चा आया सारा कुछ, तो ACP भी यार मैं आप लोगों को बता दूँगा इंशाल्लाह, और टोटल गाड़ी पे भी जो हुआ ना उसके लिए मैं सुबह इंशाल्लाह मैं अलग से जो है ना वो वीडियो में बनाऊंगा। तो ये था भाई हमारा जो है ना प्रोजेक्ट खैबर का यहाँ तक का सफ़र, बाकी अब इंशाल्लाह हम गाड़ी को जो है ना वो ऑन रोड जो है ना हमने वैसे तो मतलब लोकल तो यूज़ करनी शुरू कर दी, AC का परफॉर्मेंस वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त है, तो वो साथ साथ फिर जो है ना ये एज़ अ व्लॉग जो है ना उसको वो बनाएंगे आपसे शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह जो है ना वो गाड़ी को ज़रा हम अपने गाँव तक लेके जाएंगे,
मतलब जो है ना थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि ये मतलब जो है ना रोड पे क्या करती है। तो फिर बाकी फर्दर जो है ना आउट ऑफ सिटी का भी इस पर इंशाल्लाह टूर करेंगे कि क्या करती है क्या नहीं। हाल की घड़ी तो जो कुछ भी था छोटा मोटा भी इसका हर चीज़ हमने जो जो सामने आई है मज़ीद भी जो तसल्ली करवा के हर चीज़ के भाई तंग ना करे हर चीज़ हमने जो है इसकी ओके करवाई है। बाकी यार मशीन है देखो नई गाड़ी के साथ भी हो सकता है तो ये तो फिर मतलब पुरानी रिस्टोर की है। तो बाकी यार प्रोजेक्ट का जो है ना वो एक्सपीरियंस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। तो मतलब जो है ना मेरी भी रिकमेंडेशन है बिल्कुल है 100% है कि यार अगर आपको गाड़ी खैबर अगर आपको को मिलती है कोई पुरानी कोई मतलब जो है ना जो खस्ता हालत में उसको लेके रिस्टोर करें। अगर छत भी गली हुई है तो यार कोई इसको इशू नहीं है 14,000 रुपये किसकी जो है ना वो छत है वो भी आप लोग जो है ना वो देख के जो है ना वो अगर कोई हो इस तरह का इशू तो हर चीज़ इसकी मिल जाती है। ये बहुत मतलब जो है ना इसकी पॉजिटिव पॉइंट है एक एक सामान इसका जो है ना वो मिल जाता है ठीक है। तो बाकी यार प्रोजेक्ट खैबर के लिए जो है ना वो हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को जो है ना वो लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए जो है इजाज़त दीजिए कल आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं। आपको मैं इंशाल्लाह जो है ना सारी गाड़ी की कॉस्ट और उसके अलावा एसी की भी जो है वो कॉस्ट वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़।